वेलकम टू मेलिसा किचन। यू विल फाइंड ऑल दी हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी हियर। आज हम बनाएंगे रवा इडली। रवा इडली बनाने के लिए हमें चाहिए रवा 25 ग्राम, कर्ड 20 ग्राम, फ्रूट सॉल्ट 1 टीस्पून, ऑयल 1/2 टीस्पून एंड सॉल्ट टू टेस्ट। एक बाउल में रवा, सॉल्ट और दही डालकर मिक्स कर लें। साथ ही उसमें 1/2 ग्लास वाटर ऐड करके अच्छे से मिक्सचर रेडी कर लें। अब इस मिक्सचर को हम 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब जो बैटर रेडी हुआ है उसमें फ्रूट सॉल्ट ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स कर लें। इडली की मोल्ड को ऑयल से ग्रीस करके उसमें बैटर डालेंगे और उसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए स्टीम कुक करेंगे। बहुत ही झटपट बनने वाली इजी रेसिपी है ये, क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम में बन जाएगी एंड बहुत ही हेल्दी है खाने में। और इसे आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। ये बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और ये वेट लॉस में भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। सो, हमारा इंस्टेंट ब्रेकफास्ट तैयार है। आप इसे ग्रीन चटनी और सांभर के साथ सर्व करें। ऐसी टेस्टी टेस्टी रेसिपी के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में आपकी फेवरेट डिश भी मेंशन करें। बी हेल्दी, ईट हेल्दी। थैंक यू।